हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फूड इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी रिसर्च करते रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि कौन सा बिजनेस सही है और कौन सा गलत है या किसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। तो फ्रेंड्स, अभी एक रिसेंटली मेरे दोस्त थे जिन्होंने जो है एक यूनिक कॉन्सेप्ट सोचा, जो एकदम हटके कॉन्सेप्ट था। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि देखिए, अगर आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट सोच रहे हो जो इससे पहले शायद ही किसी ने ट्राई किया हो, तो वो उतना ही रिस्की हो सकता है। अब जो मेरे फ्रेंड ने जो कॉन्सेप्ट सर्च किया, सोचा, जिसके बारे में वो कॉन्सेप्ट था पान शॉप। ये कोई ऑर्डिनरी पान शॉप के बारे में नहीं था, ये एक एक्सक्लूसिव पान शॉप के बारे में था, जो चॉकलेट पान और दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ पान बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरे दोस्त ने क्या क्या गलतियां की जिसकी वजह से उसका बिजनेस अनसक्सेसफुल हो गया, जबकि उसकी आइडिया बहुत अच्छी थी जिससे उसको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था और हो भी रहा था। अब क्या हुआ मालूम है दोस्तों, कि मेरे दोस्त ने जो है ये शुरू करने से पहले एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप अगर जो है वो फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को पूरा देखो, ताकि मैं आपको पूरी स्टोरी बता सकूँ कि मेरे फ्रेंड के साथ में क्या हुआ जो उसके रॉन्ग बिजनेस प्लानिंग की वजह से हुआ। तो दोस्तों, मेरे दोस्त ने सबसे पहले ये ठान लिया कि फूड बिजनेस इज़ अ वेरी गुड बिजनेस जिसके अंदर उसको अच्छा पैसा मिलेगा। अब सेकेंड थिंग जो उसने किया ना, वो ये किया कि उसने सोचा मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट डालूंगा, जो था एक्सक्लूसिव पान बुटीक। अब मैं उसका नाम आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि इससे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ख़राब हो जाएगी। अब इनको क्या हुआ पता है कि अब ये एक्सक्लूसिव पान बुटीक खोलने के लिए इन्हें चाहिए थे कारीगर जो इनको अच्छे से बना के देते। उसके बाद में वो कारीगरों को ढूंढने में जो है वो काफ़ी समय लग गया, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने। उसके बाद में इन लोगों को बहुत रिसर्च करनी पड़ी कि जो पान के जो इंडिग्रियंट्स है जिससे पान का एक अलग ही टेस्ट आता है, वो अच्छे वाले इंडिग्रियंट्स कहाँ से मिलेंगे, उसको किस तरीके से बनाना है, उसका टेस्ट क्या, इंडिग्रियंट्स को किस मात्रा में डालने से कैसा होता है, किस पान को कितने समय पहले बना के रख सकते, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ढूंढने में उन्हें 3 से 4 महीने चले गए। अब इस टाइम के दौरान इन लोगों को, उन कारीगरों को पगार देके रखना पड़ा, क्योंकि अगर ये कारीगरों को रिटेन करके नहीं रखते तो वो कारीगर किसी और के पास चले जाते। अब इनकी सर्च शुरू हुई लोकेशन के लिए, इन्होंने ये ढूंढना चालू किया कि कौन सी लोकेशन पे इनका बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब वो एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढना बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है, क्योंकि रेंट आपका जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बिजनेस का, और आपको ये देखना है कि आप रेंट जो एक रीजनेबल अमाउंट दे रहे हो और आपकी लोकेशन भी बहुत अच्छी हो, जहाँ पे अच्छे फुटफॉल हो। तो ये सारी चीज़ें करने करने में इनका 6 से 7 महीना वेस्ट हो गया। अब इन 6 से 7 महीनों के बाद में जब इन्होंने अच्छी लोकेशन पकड़ी, तो वहाँ पे मार्केटिंग करना, लोगों को बताना, लोकेशन पे लोगों को आना, बिजनेस को जमाना, इसमें और 5 से 6 महीने चले गए। तो 1 साल तक इनका जो टाइम गया, इसके अंदर इनको कैपिटल पे कोई प्रॉफिट नहीं मिला, इनको जो है वो खुद के घर का भी खर्चा जो है वो उठाना बहुत भारी पड़ रहा था, रेंट वगैरह तो बहुत छोड़ ही दो। तो इससे इनका बिजनेस जब फ्लरिश होना चालू हुआ 1 से 1.5 साल बाद, तभी इनके पास ये पैसे ही नहीं थे कि ये उसको रोलिंग कर सके, बिजनेस को जिंदा रख सके, जिसकी वजह से उन्हें अफसोस बंद करना पड़ा। और एक और चीज़ ऐसी थी कि जो मेरा फ्रेंड था, उसके फादर बीमार हो गए, जिसकी वजह से उसे बहुत समय हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो वो बिजनेस पे ध्यान नहीं दे सका। और जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि देखिए, पैसे कोई कमा के नहीं देता आपको, आपके सर्वेंट्स या एम्प्लॉयज़ पैसे कमा के नहीं देने वाले, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप पैसे कमाना चाहते हो। तो अगर आप ऑफिस में मौजूद हो या आपके फैक्ट्री पर मौजूद हो, तो आपको कोई पैसे नहीं कमा के देगा और आपको लॉस होना ही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारी मिस्टेक्स की वजह से, बिजनेस प्लानिंग रॉन्ग होने की वजह से, कम पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट करने की वजह से, और एक हटके कॉन्सेप्ट को